ब्रेक बाद फिर स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं पंजाब दे विच कम्युनिटी एक्टिविज्म, लोक सरोकारां नाल जुड़िया नागरिकां दा एक्टिविज्म किन्ना स्ट्रोंग है। साडे नाल चर्चा विच शामिल ने डॉक्टर गौरव छाबड़ा जी, हेमंत गोस्वामी जी अते नवदीप असीजा जी। डॉक्टर गौरव छाबड़ा, तुसी चंडीगढ़ दे विच हम लोग नाम दे उत्ते एनजीओ खड़ी कीती है, चंडीगढ़ दे सरोकारां लई वी लोकां नाल गल करनी शुरू कीती है। पिछे जे जदों सैक्टर 17 दे विच जिहड़ा चंडीगढ़ दा सेंट्रल सैक्टर है, प्लाजा सैक्टर साडा, उत्थे जिस वेले दरख्त कट्टे जा रहे सी, तुसी जाके दरख्तां नूं चिपक गए, राजनीति कर रहे सी, एक्टिविज्म कर रहे सी, या ए इनकलाब लियांदा कोई नवा तरीका लग रहे सी? देखिए, मेरी फंडामेंटल ड्यूटी सी जेड़ा कॉन्स्टिट्यूशन ने मैंने दिती हैगी जी। अज दी सारी प्रॉब्लम आई हैगी कि लोग जद राइट्स दी गल आंदी हैगी कि सिटीजंस राइट दी, वो सब तो अग्गे रहंदे ने, लेकिन जब ड्यूटीज नु फुलफिल करन दी गल आंदी है, वो सब गायब हो जांदे ने जी। ते फिर तुसी चाहे नु एक्टिविज्म कहो, चाहे आके साडा चंडीगढ़ बहुत खूबसूरत लगे, पर साडे तो ये उम्मीद ना रखो कि असीं घरां तो निकल के चंडीगढ़ दे विच दरख्त कट्टे जा रहे हो तो उन्हां नू आके चिल्लीए ते पुलिस नू रोक लिया। लोकां नू की लगदा है कि ओह ग्लोबल वार्मिंग दी गल कर लैन ते सोशल नेटवर्किंग वैबसाइट ते कम्युनिटी ज्वाइन कर लैन, उन्हां नू लगदा है कि उन्हां दा एक्टिविज्म हो गया। जब ऑन ग्राउंड जाण दी गल आंदी है, ओह गायब हो जांदे ने। नदीप सिजा जी, तुहानू लगदा एक्टिविज्म इस तों वधेरे हुंदा? तुसीं ब्लॉग दे उत्ते लिख के SMS भेज के ते मिस्ड कॉल मार के रेवोल्यूशन नू बुला के एक्टिविज्म नहीं कर सकदे? देखो, मैं उन्दे च बहुत ज़्यादा वही मैं बहुत, क्योंकि मैं उस बिल्कुल बॉर्डर दे आखिरी शहर दे उत्ते जाके काम कीता, शायद उत्ते एक एजुकेशन हर तरह की समस्या मिली, मतलब चंडीगढ़ च शायद कई सेफगार्ड ने, थोड़ी इत्थे आवाज़ है, इत्थे मीडिया बैठा है। जिस किस्म दी तुसी आवाज़ उत्ते फाजिलका तो चुकी है, उहदा नोटिस इत्थे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने लिया, ते अज गल हो रही है कि चंडीगढ़ दे विच 17 सैक्टर नूं व्हीकल फ्री जोन बनाया जाए। बिल्कुल, हाईकोर्ट ने बकायदा तुहाडा नाम लिया, तुहाडे प्रोजेक्ट दा जिक्र कीता, ते हुण शायद उहदी डेडलाइन वी हाईकोर्ट ने तय कर दित्ती है कि जे तुसी 1 अप्रैल तक तुसी नहीं करदे हो, 20 अप्रैल तक, तां फिर असीं क्लियर कर देंगे शाम 4 बजे तो लेके व्हीकल फ्री जोन हो जाएगा। तुहानूं लगता है एक्टिविज्म इस किस्म दा रेप्लीकेबल है, होरना जगह ते कीता जा सकदा, या तुहानूं लगदा ये वन ऑफ सक्सेस है? नहीं, बिल्कुल किया जा सकता है, इन्हें कोई वड्डी गल नहीं है। द थिंग इज दैट कि मैं जो कह रहे हैं कि अगर असी राइट पैरामीटर्स से अपना एक्टिविज्म करते हैं तो वो जरूर अगे जाता और उनकी सुनवाई भी होती है। और ज्यादातर की होंगे कि एक्टिविज्म कुछ ना कुछ किधरे ना किधरे को नाम कई बार एक्टिविज्म का दिता जाता, लेकिन उनके कई सारे हिडन एजेंडाज होंगे ने। हाले तक एक्टिविज्म मैनुपुलेट किया जा रहा है, एक इंडिपेंडेंट एक्चुअली जो तुहाडे दिल की आवाज़ है या जमीर की आवाज़ के बेस से जो भी एक्टिविज्म होया, मैंने लगता है वो अगे जाएगा और जाता रहेगा। डॉक्टर गोस्वामी, तुम कहो जी लॉबी के नाल हिंदुस्तान के मत्था लिया, जिन्होंने सब तो स्ट्रोंग लॉबीज गिना जाता, जी टोबैको लॉबी है, उस वे एक्टिविज्म यह तो वह लॉबी है जिथे कितने उत्ते जे ट्रक या कार भी चढ़ जाती तो यू बड़ी नैचुरल घटना घटना भी मनिया जा सकता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਜੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਨਿਤੜਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵਿਸ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਜ਼ਰਡਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਜ਼ਰਡਸ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਐਨ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਸ਼ਾਟ, ਸੋ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਫਾਰ ਦੈਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ I don't think the risk is that high. It is as high as jay tusi sadak te ja rahe ho ki truck aake tode to otherwise bhi toda accident ho sakda hai. Tusi safedi kar do utto thalle gir sakde ho. Theek hai, tusi is bahut sare profession hai jithe unhan da natural professional hazard hai. Ji, je tusi kam karna hai te je tusi nidar ho ke apni gal nahi rakh sakde, je nidar ho ke court nahi ja sakde, nidar ho ke kam apna jeevan nahi jee sakde, to jeevan jeen da fayda hi nahi hai. जीवन जीने का फायदा है जे तुसी अपनी गल जेड़ी रखनी है, कॉन्स्टिट्यूशन तुहानू राइट दिंदा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तुसी फ्रीली अपनी गल रख सको, फ्रीली कोर्ट कहिंदा जब भी तुहानू कोई समस्या तुहाडे साडे कोल आओ, तुसी कोर्ट जा सकदे हो, जे तुसी ओ अपना राइट एक्सरसाइज करन नू तैयार नहीं हो, फिर तुसी तुसी इलेक्ट्रॉनिक साइंसेज विचों आए, तुसी मैनेजमेंट विच गए, तुसी मार्केटिंग प्रोफेशनल सी, मैनेजमेंट कंसल्टेंट रहे। डॉक्टर नवदीप असीजा IIT दिल्ली तो आए, बहुत लोगों की ये ड्रीम जगह होंदी जाण लई, इस सब तो बाद सोशल एक्टिविज्म में आ गए। डॉक्टर गौरव छाबड़ा, तुसी डॉक्टर सीगे, प्रैक्टाइजिंग डॉक्टर सीगे, तो तुसी PGI वर्गे हॉस्पिटल काम कर रहे थे, तुसी सोशल एक्टिविज्म में आ गए, तुहाडे कोल एक सवाल है डॉक्टर असीजा जी, तुहानूं लगदा है डॉक्टर अजय तुसी वन है, तुहानूं लगदा है कि सोशल एक्टिविज्म लाइवलीहुड का एक अल्टरनेटिव वे ऑफ लिविंग का वायबल तरीका है, साडा नौजवान अजे नूं अपना सकदा है? क्योंकि साडे नौजवानों दी बहुत सारी ख्वाहिशां भी ने, बहुत सारी असीं एस्पीरेशनल सोसायटी दे विच जी रहे हैं, तुहानूं लगदा कि कम्युनिटी एक्टिविज्म इस करके भी कदी कदी नहीं हो पाता क्योंकि वह एस्पीरेशनल जिहड़ियां साडियां टेंडेंसीज आ उन्हां नूं पूरा नहीं कर पाता? नहीं, मेरा इस तरह का कोई नहीं, मुझे लगता है कि जो साडी एस्पीरेशनज ने वो की ने, जिन्होंने जॉब करनी है, जिन्होंने पैसा कमाना, उन्होंने उस तरह की एस्पीरेशनज ने, उन्होंने उत्थे वो काम करके फुलफिल कर लेंगे। साडी एस्पीरेशनज उस तरह दियां ने
ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਰਿਵਾਰਡ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਛਾਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਰਗੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਈਵਲੀਹੂਡ ਦਾ ਸੋਰਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੇਖੀਏ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਇੱਕਦਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜ਼ਡ ਫਰਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਾਈ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈਗਾ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੰਡਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਮਾਊਥਪੀਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਉਹਦੇ ਮਾਊਥਪੀਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੌਕਫੈਲਰ ਵਰਗਾ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਥਪੀਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਇਨਫੈਕਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡਕੋਰ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਈਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਲੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਲੋਕੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਲੈਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੱਖੀਏ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਸਪਰੈਡ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਜੜੇ ਰਹੋ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਮੱਠਾਤੀਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਐਟਲੀਸਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਉਂ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵਿਕਟਮਹੁੱਡ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਉਪਜ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਦੀ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਡਿਬੇਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਭੇਜਣਾ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਹੈ ਖਬਰਸਾਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਬਾਕਸ ਨੰਬਰ 7 ਸੈਕਟਰ 55 ਮੋਹਾਲੀ 1600055 ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਈਮੇਲ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਈਡੀ ਹੈ khabarsar@znetwork.com ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰੱਖਾ